अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। आज मैं बड़े ज़बरदस्त चिकन पैटीज, होममेड पैटीज लेके आई हूँ। बड़ी कमाल की रेसिपी बनी वाली है। चल स्टार्ट करते हैं। चिकन पैटीज के लिए मैंने जी मैदा लिया है 1/2 kg और बटर मैंने घर का लिया है, ठीक है। ये मैंने 250 ग्राम लिए हैं। इसको मैं अब अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये दोनों चीज़ें ठंडी है, ठीक है। और चकने बेलने को मैंने ना फ्रिज में रख दिया, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको 10 मिनट लग जाएंगे मिक्स करते हुए, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, अभी मैं हाथ से भी करूँगी मिक्स, ठीक है। आप भी इसको इसी तरह बनाना तो आपके पैटीज बड़े ज़बरदस्त बनेंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैं हाथ से मिक्स करूँगी। इसके अंदर मैं अब आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा हम 1 कप दूध लेंगे। हम देखते हैं कितना हमारा यूज होता है। दूध के साथ इसको गूंदेंगे, ठीक है। दूध भी हमारे पास ठंडा होना चाहिए। देखें, मैंने 1 कप दूध लिया और ये दूध मेरा थोड़ा सा ना 2-3 चम्मच ना बच गया था 1 कप में से, ठीक है। आपने इसे आटा गूंदना है, वैसे आटा गूंदना, ठीक है। थोड़ा सा सख्त रहना क्योंकि हम इसके बाद में बेलना है पफ पेस्ट्री के लिए, ठीक है। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया, ये देखिए थोड़ा सा हमारा दूध बचा है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह गूंदूंगी, अच्छी तरह फिर इसको ना, ठीक है, इसको अच्छी तरह बैलेंस करके भी इसको मैं बेलूंगी। ये मैंने बेलना अपने फ्रिज में से निकाल लिया है। इसको 15 मिनट मैंने फ्रिज में रखे हैं और इसको हमने बेलना है। पूरी रोटी बेल लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है। फिर हमने इसको फोल्ड करते जाना है। देखें आपको सामने, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आपने सेम वैसे करना है। और ये वाला तरीका आपने तकरीबन 8 दफ़ा करना है, 7 से 8 दफ़ा करना है, ठीक है। इसको करके थोड़ी देर फ्रिज के लिए फ्रिज में रख दें। अगर सर्दी में आप लोग बना रहे हैं तो फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, तो ये गर्मी में बना रही हूँ इसलिए इसको मैं फ्रिज में रखूंगी 15 मिनट के लिए। उसके साथ भी मैं जो मैं इसके अंदर चिकन डालना हूँ तो वो मैं उसकी तैयारी करूँगी, ठीक है। ये देखें मैंने बना लिया इसको अच्छी तरह, इसको मैंने 8 दफ़ा रोल करके बना लिया। अब मैं इसके शॉपिंग बैग में डाल के इसको फ्रिज में डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये हमारी सेट हो जाए थोड़े से, ठीक है। ये मैं फ्रिज में रहने जा रही हूँ। अब मैंने जी इसके अंदर जो मैंने कोटिंग करनी है उसके लिए मैंने 2 अदद प्याज ली है, थोड़ा सा ऑयली है 2 चम्मच। इसको हल्का सारा पिंक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जी आपको मैं दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं इसमें मिर्चों में क्या लूँगी, मैंने काली मिर्च ली है 1 चम्मच, ठीक है। थोड़ा सा तिक्का मसाला लिया और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला, ठीक है। अब इसमें मैं बंद गोभी होती है ना उसको ऐड करूँगी। बंद गोभी मैंने थोड़ी सी लिया है तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है। उसको अच्छी तरह 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा थोड़ी सी बंद गोभी नरम हो जाए। इसके बाद मैंने चिकन लिया जी, ये तकरीबन चिकन का कीमा है, इसको मैंने लिया जी 1/2 kg। इसको मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह 5 मिनट पकाएंगे। ये दूध में थोड़ा सा मैंने ना मैदा ऐड किया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है ताकि ये हमारा ज़बरदस्त बन जाए, ठीक है। ये देखें हमारे ये तैयार है। थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। उतनी देर में मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया इस डो को, तो इसको मैं आराम आराम से बेलूँगी। तैयार करना है कि हम लोग इसको आराम आराम से बेलेंगे। ये देखें मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा बेला है, रोटी से थोड़ी सी मोटी, और इसकी साइडें मैंने सारी काट देनी ताकि हमारे लेयर नजर आए, ठीक है। आपको जितना पीस चाहिए आप उतने पीस कर सकते हैं। पीस के अंदर मैंने टॉपिंग डाल दी है, बड़ी ज़बरदस्त बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे मर्जी आप इसकी शेप दे सकते हैं, पैटीज का दे सकते हैं, जैसे मर्जी शेप दे दें, ठीक है। फिर मैंने इसको ओवन को मैंने प्री हीट के लिए रख दिया 180 पे, मुझे आधा घंटा हो गया। अब ओवन बेकिंग ट्रे है, मैंने ऑयल लगा दी नीचे और इसके ऊपर मैं अंडा लगाऊंगी, ठीक है। कलर के लिए मैं अंडा लगाऊंगी। अंडा लगाने के बाद भी मैं इसको 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करूँगी, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त बेक होने वाला है और बहुत अच्छे होममेड पैटीज तैयार होने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है ना, आपकी तरफ से प्यार होता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह आपको बताऊँ। ये देखिए मेरी पैटीज माशाल्लाह तैयार हैं, ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़े के बने हैं। उसी टाइम हमारे बच्चों ने सारे चटम कर दिए थे। ये भी मैंने थोड़े बनाए हैं, अभी और बना रही हूँ। तो मैं कह चलिए मैं आपको इस समय यही आपको दिखाती हूँ। इतने मेरे और बन गए थे, ठीक है, बहुत मज़े के बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके लेके आती हूँ। तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। दुआ में याद रहना। अल्लाह हाफिज़।